तो दोस्तों इंडिया सीमेंट ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर डाटा बेस के लिए क्रोस में दिया गया। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किया था 1144 करोड़ के आसपास, पिछले साल 1485 करोड़, जबकि अभी देखें तो गिर के 1266 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिली, ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 15% के आसपास की गिरावट है साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 10% के आसपास की तेजी आपको देखने को। तो बेसिकली ये सीमेंट सेक्टर है तो सीमेंट सेक्टर को आपको साल दर साल जज करना चाहिए, और साल दर साल देखे तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। खर्चे की बात कर लेते हैं, पिछले क्वार्टर में 1214 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1637 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 1351 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी खर्चे ऑन एंड एवरेज कंट्रोल में है इस क्वार्टर में, लेकिन रेवेन्यू के अंदर जो गिरावट है वो थोड़ी सी चिंता वाली बात है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 6 करोड़ के आसपास के लॉस में थी, पिछले साल 243 करोड़ के आसपास का लॉस था, जबकि अभी देखें तो कंपनी का लॉस गिर के 50 करोड़ के आसपास आपको देखने को। तो कुछ साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का जो लॉस है उसके अंदर एक अच्छी खासी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिली, जहाँ 250 करोड़ के आसपास का लॉस था वहाँ देखें तो मात्र 50 करोड़ के आसपास लॉस आपको देखने को मिला, जबकि क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर आपका लॉस जो है वो आपको फिर से आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। EPS की बात कर लेते हैं, तो देखिए पिछले क्वार्टर में 0 रुपये के आसपास का EPS था, पिछले साल 7 रुपये 40 पैसे माइनस का, अभी देखें तो 2 रुपये के आसपास माइनस का आपको देखने मिला। तो कंपनी का EPS देखें तो साल दर साल आपको बेहतर आपको देखने मिला, क्योंकि नेट NPA के ऊपर ही किसी भी कंपनी का EPS आपको कैलकुलेट किया जाता है, इस वजह से साल दर साल आपको बेहतर देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर नंबर को मैं समराइज करूँ तो देखिए सबसे मेन होता है किसी भी कंपनी के लिए, बेसिकली सीमेंट सेक्टर वाली कंपनी के लिए तो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कंपनी का रेवेन्यू, क्योंकि रेवेन्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे उनका मार्केट शेयर जो है वो पता चलता है कि मार्केट में इनका जो सेल्स है कितना ज़्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इनकी मार्केट में ग्रिप कितनी अच्छी बन रही है कि नहीं बन रही है। यहाँ पर अगर देखें तो साल दर साल जो गिरता हुआ देखने को मिला है रेवेन्यू वो थोड़ी सी चिंता वाली बात है। बाकी देखते हैं शेयर ऑलरेडी नीचे लेवल पर आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, तो देखते हैं इस नंबर की वजह से क्या शेयर के अंदर तेजी आती है गिरावट आती है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।